हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो सुबह सुबह निकल चुके हैं घर से और जा कहाँ रहे हैं? आज जा रहे हैं हम नवोदय विद्यालय, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुके हैं और बोर्ड में लगी है मेरी ड्यूटी। मेरे साथ जा रहे हैं पंकज सर, तो हम दोनों निकल चुके हैं नवोदय विद्यालय के लिए। यहाँ पर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो जैसे ही हम रूम में एंटर होंगे फ़ोन हमें सबमिट करना होगा। मैंने कहा जब तक पॉसिबल है थोड़ा सा शूट करते हैं, और एक्चुअल में पॉसिबल कुछ भी नहीं था शूट करना। साथ में थे वहाँ के एक दो और टीचर भी, तो फाइनली आ चुके हैं स्कूल वापस। हमें ड्यूटी करके अपने स्कूल गुरुकुल वापस आना था, और आज ही हमारे यहाँ बच्चों का फेयरवेल। तो देख सकते हो बच्चों के टी शर्ट पे, सबके शर्ट पे सब टीचर्स के साइन है। चलो फाइनली हमारा जो प्रोसेस था आज के सेलिब्रेशन का, फेयरवेल का, वो हो चुका है। ओके बाय। सो अब बाकी के जो प्रोसेस थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। सारे बच्चे हमारे जो थे वो रेडी वेडी होकर अच्छे तरीके से आ चुके हैं, और अदर जो बच्चे हैं वो गैलरी से लेके पूरे में खड़े हैं इनके वेलकम के लिए, हाथ में फ्लावर्स वगैरह लेकर। जैसे ही वो अंदर आएंगे सब इनके ऊपर फ्लावर्स वगैरह डालेंगे और अच्छे से इनका वेलकम करेंगे। फाइनली बच्चे आ चुके हैं। बहुत सारा कार्यक्रम जो है डिसाइड किया गया है, गेम्स है, डांस है, परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करेंगे। आत्मे ज्योति प्रदीप्ताय, आत्मे ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मे ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मे ज्योति प्रदीप्ताय। कुछ पल इतने खास बन जाते हैं कि वो हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, और ना चाहते हुए भी हमसे दूर हो जाते हैं। फिर कुछ यादें जहन में इस कदर समा जाती हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर वो लम्हे याद आते हैं, वो लम्हे जो मेरी जिंदगी के अनमोल पल बन गए, वो लम्हे जो मेरे गुजरे हुए कल बन गए। काश इन लम्हों में मैं फिर से जी पाती, वो लम्हे जो मेरी नम आँखों के पानी बन गए। At the end, on everyone's behalf, I would like to conclude by wishing you all the best for your future. Go confidently in the direction of your passion, dream. Bright like a sun. Thank you. अभी जो आपने स्पीच सुना वो था क्लास 11th की गर्ल्स का, जो अपने सीनियर्स के लिए दे रही थी। ऐसे सबने स्पीच दिया था। क्या होता है कि रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल है, लेकिन अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो मैंने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर किया, और थोड़ा थोड़ा करके ही अपलोड करेंगे। फिर भी वीडियो बहुत लेंथी है। खाली बली, ओ खाली बली, ज्यादा ना खाओ, मोटे हो जाओ। इसका रिजल्ट आने पर मैंने माँ बाप से पहले आपको कॉल किया था, एंड आई होप अगर होता है टच वुड, मेरे IIT में होने पर पूरे शहर को बताने वाले भी आप होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइफ इज नथिंग, what when teachers are there you assume that and you can find that everything is here in your life. Teachers are who teach you how to live a life and how to make everyone happy and feel yourself that you have everything around you. कि जब वो आपको अनुग्रहित करते हैं और अपने विचार आपको प्रदान करते हैं, तो आप उससे मोटिवेट होके आपको लगता है कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, एंड यू फील दैट आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट ऑन योर टीचर अंटिल यू गेट सक्सेस। थैंक यू।
लेकिन जब हम लोग बात करते थे तो टीचर डांटता था, पढ़ते नहीं थे हम लोग, केवल बात करते थे और इधर उधर घूमते थे। तब हम लोगों को यह लगता था जब टीचर डांटता था कि क्या यार, सर तो अपने पीछे ही पड़े रहते हैं, दो मिनट बात भी नहीं कर सकते। लेकिन उसका महत्व आज समझ में आया कि टीचर इसलिए डांटते थे क्योंकि उनको यह लगता था कि मैं इसको अच्छे से अच्छा पढ़ाकर और आगे बढ़ाऊँ, जिससे यह अपने घर वालों का और मेरा नाम भी रोशन करे। आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग दुखी तो होंगे ही, लेकिन मेरे मन में थोड़ी खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि मैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नया कदम रखने जा रहा हूँ, और दुख इस बात का है कि इस स्कूल में जहाँ मैंने खेलते कूदते पढ़ना लिखना सीखा और जहाँ मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला, इन सब को छोड़कर मैं अलविदा कहने जा रहा हूँ। काश वो दिन फिर याद आए जब हम अपनी अपनी आंखें बंद करें तो वो पुराने दिन फिर याद आए। जब मैं इन पुरानी यादों को आंख बंद करके याद करता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी टीचर्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा डिसिप्लिन सिखाया, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। गाइस अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा रैंप वॉक, जो कि टास्क था पूरे 11th और 10th की तरफ से सीनियर्स के लिए हमारे। तो हमारे सीनियर्स का जो कैट वॉक या रैम वॉक जो भी बोलो वो हो चुका था। उसके बाद उनने टास्क दिया एज यूजुअल अपने जूनियर्स को कि नाउ आपकी टर्न है, अब आप करो। तब बस ये भी शुरू हो गए हैं, आप भी देखो एंजॉय करो। सो फाइनली रैंप वॉक जो था वो डन हो चुका है। ये देसी बॉयज हमारे जाते हुए, फिर उसके बाद बच्चों ने पहले नंबर पे ही हमें सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। तो हम तो देने वाले हैं, ऑब्वियस बात स्कूल देगा, टीचर्स देंगे, सब देंगे, उसके पहले बच्चों ने हम स्कूल वालों को पूरे के पूरे हमारा जो स्कूल है सबको एक बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट दिया। सबके साथ एक क्लिक करवाई हुई उनकी फ़ोटोज़ की, हमारे बच्चे उसमें और सारा हमारा जो गुरुकुल का स्टाफ है सब है इसमें। बहुत ही ऑसम पिक्चर है, मैं आपको बाद में जूम करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। सो फ्रेंड ये रही हमारी वो कोलाज। मैं कौन सी हूँ, मैं ये रेड वाली हूँ, मेरा कॉस्ट्यूम थोड़ा सा चेंज है। और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे चार बच्चे जिनने हमें इतना प्यारा सा सरप्राइज दिया है। सो बच्चों ने तो गिफ्ट दे दिया हमें, अब बारी आती है हमारी बच्चों को गिफ्ट देने की। तो बच्चों के लिए बाकी देखिए पेन कॉपी बुक जो डायरी वगैरह हम देते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग में तिरुपति बालाजी का मूर्ति उनको दे रहे हैं ताकि भगवान उनके साथ रहे और हमेशा उनके लिए अच्छा करें, उनके फ्यूचर
सबके लिए अच्छा करें, जो भी वो सोचे। स्पेशली मेरा कहने का ये मतलब है, जो भी वो चाहें वो चीज़ उनकी पूरी हो जाए, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें, जिस भी पैशन में वो जाना चाहें, वो चीज़ प्रॉपर निकल के आए, उनको 100% अचीवमेंट मिले उनके फ्यूचर में। गाइस सारी सेलिब्रेशन हमारी डन हो चुकी है, बाद में हम लोगों ने हैप्पी एंडिंग करा, सबने साथ मिलके डांस वांस करा, तो वो चीज़ें मैं बाय मिस्टेक रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन हैप्पी एंडिंग के बाद फोटो क्लिक करना तो बनता ही है। ये रहे चारों बच्चे और हम कुछ स्टाफ मिलके क्लिक करवा रहे हैं फोटो। इस फिर स्कूल से आने के बाद मैं गई थी एक वेडिंग में और कुछ भी शूट नहीं कर पाई, अभी बज रहे रात के 1 और मेरी नींद खुल गई, क्योंकि वेडिंग में भी मैंने कुछ खाया नहीं था ड्यू टू टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थी, कि नवोदय गए ड्यूटी किया, फिर उसके बाद स्कूल में आकर इतना सारा फंक्शन इन्जॉय किया। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 1:15 और मैं अभी उठी हूँ क्या मतलब है, मैं सोई नहीं, मैंने बता दिया शादी में गए थे तो मैंने वहाँ पर कुछ खाया ही नहीं था, मेरे को भूख नहीं लगी हुई थी तो मैं आई, मैंने थोड़ा बहुत खाया, मैंने कहा मेरे को नहीं खाना, फिर मैं लेट गई तो मैंने कहा सो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जब सोएंगे तो भूख का पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्ट सुबह उठेंगे तो सुबह उठ के फिर खा लेंगे स्कूल जाने से पहले, लेकिन कुछ काम ऐसा था, कुछ वीडियो वगैरह एडिट करना था, तो उस चक्कर में मैं सोई ही नहीं, जागी रही, मतलब काम करते करते जब अब नींद आई, लेटने गए, मतलब सोई है लिटरली, आँख लगी है थोड़ी बहुत, इतने में अचानक से भूख लगी मेरे को बहुत ज़ोर से, और मुझे जब भूख लगती है तो मुझे नींद नहीं आती है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो मैंने कहा जितने भी बचे हो, मैंने मोबाइल चेक किया, देखा कि 1:15 बस, फ्रिज में से अभी निकाला है मिल्क, तो मिल्क गर्म करते हैं फिर उसको बिस्किट वगैरह के साथ खाते हैं फिर सो जाते हैं। फ्रेंड आपके साथ भी ऐसा होता है कि आधी रात को भूख लगती है और ऐसी भूख लगती है कि बर्दाश्त नहीं होता, फिर लगता है खा के ही मानेंगे, तो ये रहा मैं मेरा पार्ले जी बिस्किट, चलो खाते हैं दूध बिस्किट। सो गाइस कि आप भी मेरे जैसे हो, आपको भी आधी रात में भूख लगती है, जब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं सो जाऊँ, भले मेरे को आप शाम के 5 बजे खाना खिला दो और मैं अगर 8-9 बजे तक सो गई तो फिर मेरे को भूख लग ही नहीं सकती, फिर वो नेक्स्ट डे जब भी उठेंगे तब जाके भूख लगी, लेकिन रात में अगर मैं बीच में उठती हूँ, चाहे आपने मेरे को 11 बजे खिलाया हो खाना, मैं 11 बजे खाकर अगर सोती हूँ, फिर उसके बाद मैं अगर 12:30 अगर 1-1.5 घंटे के अंदर उठती हूँ तो भी मेरे को भूख लगती है, पता नहीं क्या आदत है, मतलब एक बार आँख खुली और भूख लगी, कोई नहीं होता है, सबकी अलग अलग साइकोलॉजी है। आप में से कौन कौन है जिनको पार्ले जी बिस्किट इस तरीके से चाय या दूध में खाना पसंद है, कमेंट करके बताना। ओके मैं तो बचपन से यही खाती हूँ, मेरे घर में ऑलरेडी क्या होता है कि मम्मा ये पार्ले जी और बटर वाइट बिस्किट, ये दोनों बिस्किट मेरे फेवरेट है, तो ये दोनों हमेशा होते हैं, जब मेरा मन करता है तो मैं कोई ना कोई एक उठा के खाती हूँ, और मैं मैक्सिमम दिन, मैं आज फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ, मतलब महीने में 15 से 16 दिन ऐसे होते हैं कि मैं आधी रात में उठ के खाती हूँ। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो गर्मी आने वाली है तो मैं उठ के आके खा रही हूँ, अदरवाइज विंटर में क्या होता था, उठने की हिम्मत तो होती नहीं ठंड में, तो विंटर में मैं जब सोती हूँ, मम्मा डेली मेरे सिर के पास बिस्किट का पैकेट और पानी की बोतल रखती हैं, जिसको अगर रात में भूख लगेगी तो ये लेटे लेटे ही बेड पे ही, मतलब ब्लैंकेट के अंदर ही यहीं कहीं बैठ के खा के पानी पी के सो जाएगी, फिर विंटर में उठने की हिम्मत नहीं होती है, मैं उठती हूँ नहीं क्योंकि मैं हूँ आलसी नंबर 1, और भूख भी लगती तो नींद भी नहीं आती। सो बिस्किट खाना हो चुका है, चलो मिल्क को भी ख़त्म करते हैं, आपको हंसी तो नहीं आ रही होगी मेरे ऊपर, आ रही होगी तो हंस लो, क्या ही यार, जो मैं हूँ तो मैं हूँ, मैं चेंज नहीं होने वाली हूँ कभी भी, मैं ऐसी हूँ ऐसी रहूँगी। तो फाइनली खाना पीना डन, अब मेरे को नींद आ जाएगी, तो चलिए गाइस ऑलमोस्ट अभी बच गए हैं 1 बज, सो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 1:05, तो चलो अब जाते हैं अंदर और सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह, क्योंकि कल सुबह स्कूल जाना है ना, तो स्कूल क्योंकि कल सुबह स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए मेरे को 7 बजे उठना पड़ता है, तो अभी 1 बज चुके हैं, 1 बजे सोएंगे तो 7 बजे पता नहीं कैसे उठेंगे, और कल स्कूल जाना है। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइज बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।